गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल तेज बोल। बोल रही नहीं यार, गलो बैठ रहे जी, जुकाम लग गई ना। तो गाइस हम लोग लेकर आए आप सभी के लिए एक और न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग के साथ एंड तक बने रहिए। और सोनिया बना रही है अभी खाना, मतलब रोटी पवली आटो लगा रही थी यार, और पौनी हाल तक तो उंदी पड़ी जे चूलो भी बाल लिया, आटो लगते फिर चूलो जलावली, और रात की ठंडी रोटी जे कह दो कुण को पति आवली। मारे पति तो कल यूं अगर मुंह ठंडी का तो रात उठ रात बड़े में क्यों दे होटल पे खाया तो फिर मुंह नहीं। भाई जब मैंने ठंडी खानी चाहिए तो मैंने बड़े में खाया पति जी, फिर तो होटल पे मैंने पनीर की सब्जी खा भाई कितनी बड़ी चाहिए। बना ले खांडो बना भी ना, कोई नहीं मजाक कर रहे थे। चल हम लोग घूमे हो ना। हाँ सोनिया ओए चल हो ना, अब ठीक जब लेर भी ना चल लो पहली कह रही हूँ। बाल का दिन चल रहा नहीं यार, मार ना चला देखो ठीक है। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ महिंद्रा थार के अंदर जो जो फीचर्स आते हैं उन फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ इसके टायर बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं इसके, तो कहीं ऑफ रोडिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऑफ रोडिंग करने का मतलब ये नहीं है, ऑफ रोडिंग का मतलब ये नहीं है, ये जो यहाँ तो इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। ये यहाँ पर ऑफ रोडिंग करते टाइम मतलब वो जो होता है ना पकड़ने के लिए, तो वो यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर तो आता ही ऑब्वियसली गाड़ी में, लेकिन यहाँ पर भी है। और ये 4x4 जब भी अपनी गाड़ी कहीं फंस जाए, कहीं कीचड़ पे या कहीं ऐसी जगह से निकालना हो तो ये वाला गियर है। अभी ये 2H में है, मतलब इसमें ये अभी दो ही टायर का वर्क कर रहे हैं इसके। इसको पीछे लेंगे प्रेस करेंगे दबा के तो इसके चारों टायर काम करने लग जाएंगे, फिर अपन लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं इसको। तो इसको भी अगर अपन खाली उसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत हो, अदरवाइज इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये आपके सामने जो LED AC वो सब, खाली इसमें एक ही प्रॉब्लम है पीछे बैठने की, अदरवाइज़ गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें पीछे बैठने के लिए अपने को यहाँ से पुश करना पड़ेगा, सीट आगे आएगी इसके बाद ही अपन लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। और बारिश की वजह से देख सकते हो आप कितना वो रखा है इसमें कीचड़। तो कल इसकी सफाई भी होगी और इसमें फ्लोरिंग भी होगी ताकि जो भी ये मिट्टी हो तो उसको बाहर निकाल सकें। और ये जो पीछे का व्यू है इसका, पीछे का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसमें जो पीछे रखने के लिए जो डिक्की होती है वो बहुत ही, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है मुकाबले इसके, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है डिक्की में। डिक्की के अंदर अपन कुछ भी रख के लेके जा सकते हैं, इसमें इतना सामान नहीं आ सकता है। और इधर से और इसकी जो बम्पर की वो है, मतलब ये खोलने के लिए अंदर से एक बटन आता है, बटन को पुश करने के बाद इसमें डबल सिक्योरिटी की गई है। ये देखो पहले ये वाला लगता है और फिर ये वाला लगता है। तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है और हमारी गाड़ी के नंबर भी आ चुके हैं, ये वाला ही हमारी गाड़ी का नंबर है RJ45CT0398। और इसके तो पहले 9601 थे ही। ये कमेंट्स में बताना कि दोनों गाड़ी में से किस वाली गाड़ी का लुक अच्छा लग रहा है दोनों में से। और फाइनली डिज़ाइन का प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है,
तो अब कमेंट्स में इसके लिए भी बताना कि जो हम लोगों ने डिज़ाइन बनवाई थी वो कैसी लग रही है। असल में हम लोग यहाँ पर झूला खाया करते थे, आज ये जगह इतनी नीचे हो गई है कि हम लोग इससे ऊपर निकल गए। देखो बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है इस तने से, इस पेड़ की इस टहनी से बहुत सारी। एक बार भी थी तो वो लड्डू के प्रोग्राम में उसे, मतलब एक वो जा रही थी तो उसको काट दिया है कोई इधर से, मतलब ये इतनी वो अच्छी तरीके से लगाते हैं। तब भी एक दिन तो गिर गया था मनोज भाई जो हमारे काम करने आता है। बस अब तो ये नीचे इधर साइड वाला प्लास्टर बाकी है, बाकी कंप्लीट हो चुका है पूरा, यहाँ यहाँ पर बाकी है खाली, इधर से भी हो गया है उधर से भी हो गया है, खाली ये इधर वाला थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट आज कल में। और मम्मी बहुत दिनों बाद सोनिया को गाड़ी सिखाने लेकर गए थे हम, तो सोनिया के साथ कल हमने ट्रेजडी कर दी, आपको ही पता होगा। सीट को हम लोगों ने आगे ही नहीं किया, इसलिए इससे ब्रेक और एक्सीलेटर और क्लच, ब्रेक भी लगा रही थी एक्सीलेटर भी लगा रही थी लेकिन क्लच कौन जा रही थी, क्लच पूरा तो जी वो तो पूरा लग गया बाद में काम कर रहा था। तो बार बार गाड़ी को बंद हो रही थी, बंद कर रही थी, बार बार हो रही थी भाई, एक बार ही तो हुई। ये कंफ्यूज हो जाती है इसको तब, कभी बोलते हैं ना अरे नहीं नहीं आगे से थोड़ा इधर इधर इधर, तो ये कंफ्यूज हो के, मतलब इसको मैंने बोला कि जैसे इधर मुंह था गाड़ी का तो इधर ब्रेक लगाना है। अब समझ गई, अगर आप हम गाड़ी घुमाएं तो गाड़ी घुमाना है स्टीयरिंग, हां और अटी घुमानी हो तो अटी घुमाना स्टीयरिंग। अच्छा खड़ा ठीक रही है, खुद ही तो बताया जा हां जी सही बताऊंगा मैं तो, मुंह से गलत बताऊंगा नहीं नहीं मैं गलत नहीं बता सको। तो आ थोड़ी जाए सी आज भी चली गई उड़ी, तो आ तो बर गई जो कादो की जो, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि इनको वो नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ इनको कि जो वो सिखाने आते हैं ना वो 10-15 दिन के अंदर सिखा देते हैं, तो उनसे सीख लो तो बेस्ट रहेगा। सोनिया मम्मी कसम भाई वहाँ सीख ले, आप लोग कमेंट्स में बताना कि उनसे सीखना सही है फिर इधर सीखना सही है, उधर ही सही रहेगा। सोनिया ने डिसाइड किया है कि ये उन्हीं से सीखेगी गाड़ी अब, क्योंकि पता है वो एक दो दिन के बाद में सीधा मार्केट के अंदर और जैसे ऑन रोड चलाना सिखा देते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा कंट्रोल उनके पास होता है तो ये आसानी से सीख सकेगी वहाँ। और इधर तो वही डरने वाली बात हो जाती है इस चक्कर से, वरना कोई दिक्कत नहीं थी सीखने में और सिखाने में। और इधर जगह भी इतनी सही नहीं है कि ये खाली पहले या दूसरे गियर में चला सकती है गाड़ी, क्योंकि तीसरा गियर लगाते लगाते तो जगह ही खत्म हो जाती है और गड्ढे आ जाते हैं बड़े बड़े। तो हम लोग आपको बताने वाले थे हमारी मंथली इनकम, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं तो उन कमेंट्स में लिखा हुआ था कि भैया आप अपनी मंथली इनकम कभी भी शेयर मत किया करो। तो इस बार हम, मतलब पिछली बार भी बहुत सारे कमेंट्स आते थे लेकिन हम इग्नोर कर देते थे, लेकिन इस बार आप लोगों को वजह से ही हम लोग, आप लोगों की वजह से ही आपको हम इनकम नहीं बता पाएंगे। और जिन्होंने हमें ये सजेस्ट किया उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इससे YouTube अकाउंट में भी बहुत सारे इशू क्रिएट हो जाते हैं। हाँ क्योंकि जो YouTube की गाइडलाइंस होती है तो उनके अगेंस्ट होती है चीज़ें, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू इतनी नॉलेज देने के लिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपने आप लोगों के कमेंट्स देखने के बाद यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ पता चला है मेरे को। तो
अब इनकम बताना वो नहीं है, फिर भी कुछ जो हिंट होंगे तो उनके हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पूरी एग्जिट है वो ओपनली बोल के हम नहीं बता सकते। तो आज का व्लॉग यही करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोनिया जी टाटा और कुछ ही नहीं है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।